नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा गरमाता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने उन मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो खुले में नमाज का समर्थन कर रहे हैं। वहीं बढ़ते विवाद के बीच खुले में नमाज पढ़ने वालों पर प्रशासन का हंटर भी चल गया है और प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उससे ओवैसी के भी होश उड़ गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गुरुग्राम में नमाज पर संग्राम बढ़ता जा रहा है क्योंकि गुरुग्राम के कई खाली मैदानों और पार्कों में हर शुक्रवार को खुले में नमाज पढ़ी जा रही थी, जिसका हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया। लेकिन अब खुले में नमाज पर प्रशासन का हंटर चल गया है। एक एक कर पुलिस ने 8 जगहों पर खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने ये कार्रवाई भी हिंदू संगठनों के विरोध के बाद की कि अगर लोगों की आपत्तियां मिलती हैं तो अन्य स्थानों पर भी नमाज अदा करने की अनुमति रद्द की जा सकती है। यानी कि जहां भी खुले में नमाज अदा की जा रही होगी वहां सभी जगहों पर बैन लगाया जाएगा। एसडीएम, एसीपी और दोनों समुदाय के सदस्यों के अलावा सिविल सोसाइटी के लोगों की एक समिति बनाई गई है ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से मुस्लिम समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जिन लोगों को खुले में नमाज अदा करते समय परेशानी हो रही थी उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इस बीच एक ट्रस्ट ने 90 स्थानों का सुझाव दिया है जहां नमाज अदा की जा सकती है। वहीं गुरुग्राम के एसीपी अमन यादव ने कहा है कि समस्या का समाधान खोजा जा रहा है। इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं 8 जगहों पर नमाज बैन होने से मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी भी बुरी तरह बौखला गए हैं। वहीं जब हिंदू संगठनों ने विरोध में नमाज वाली जगह पर गोवर्धन पूजा की, इस दौरान कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने भी खुले में नमाज का विरोध किया, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह बौखला गए। ओवैसी ने अनुमति वापस लेने और इस विरोध प्रदर्शन को मुस्लिम विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज के खिलाफ विरोध ये साबित करता है कि प्रदर्शनकारी कितने कट्टरपंथी हो गए हैं। ये मुस्लिमों के प्रति नफरत है। सप्ताह में एक बार 15-20 मिनट के लिए जुमे की नमाज अदा करना किसी को कैसे आहत कर रहा है। वहीं ओवैसी को अब हिंदू संगठनों ने उन्हीं के लहजे में जवाब दिया है। लेकिन ये मुद्दा राजनीतिक रंग न ले इसके लिए प्रशासन दोनों पक्षों की तरफ सही और साबित कदम उठा रहा है। गुरुग्राम में खुले में नमाज अदा करने पर बैन लगा तो ओवैसी बुरी तरह से बौखला उठे और हिंदू संगठनों पर अपनी भड़ास निकाली। वहीं प्रशासन ने साफ कर दिया कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ से समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं ताकि विवाद को शांत किया जा सके। लेकिन ओवैसी इस पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में तुल गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।